तो आपने कभी ना कभी तो अपनी जिंदगी में ये वाला गेम खेला ही होगा जिसका नाम है इंडियन व्हीकल सिमुलेटर। और आज अपन लोग इसके अंदर चैलेंज करने वाले हैं सारी गाड़ियां अपनी जो भी इसके अंदर गाड़ियां हैं, और साथ ही में ये मड, यानी कि जो गाड़ी अपनी इस मड को पार कर देगी वो होगी हमारी आज की विनर। तो सबसे पहले अपन लोगों ने ले लिए अल्टो 800 और ये कुछ ऐसे दिखती है, ठीक है। तो अब सबसे पहले अपन लोग लेकर जाने वाले इसको अंदर और देखते हैं कि भाई ये पास कर पाती है कि नहीं पाती। मेरे हिसाब से पक्का ये अल्टो खतरनाक निकलेगी क्योंकि इसके अंदर पावर ज़्यादा है और थोड़ी सी हल्की है तो निकल जाएगी साइड तक मड के अंदर से। लेकिन नहीं, ये थोड़ी थोड़ी सी स्लो होती जा रही है और ये पूरी स्लो होगी, ठीक है। ये वाली गाड़ी भी अपनी पास नहीं कर पाई। अब बारी है दूसरी गाड़ी की जो होने वाली इससे भी ज़्यादा खतरनाक। ओके, तो अपनी अल्टो वाली गाड़ी ने तो दम तोड़ दिया था। अब बारी है हमारी न्यू वाली गाड़ी की जो कि और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। तो अब अपन लोग लेने वाले हैं बोलेरो जो कि शायद तक सबसे ज़्यादा डेंजरस है। मेरे हिसाब से ये वाली गाड़ी निकल जाएगी, एक हिसाब से मानो तो चल जाएगी, ठीक है। तो अपन लोग ट्राई करने वाले बोलेरो को जो कि इससे भी ज़्यादा खतरनाक और शानदार है, ठीक है। ओके, तो फिलहाल तो एकदम से सही चल रही है और धीरे धीरे से अपने डाउन जाती हुई। भाई यार, ये तो मेरे हिसाब से उस गड्ढे में भी नहीं पहुँच पाएगी, जहाँ तक मेरे को यकीन है ये उसको नहीं पार कर पाएगी भाई, ठीक है। ओके, मैं इसको बूस्टर देकर ट्राई करता हूँ थोड़ी देर के लिए, शायद तक चली जाए, क्या पता ये गाड़ी अपनी विनर निकले, ठीक है। ओके, थोड़ी दूर तक तो जा रही है लेकिन नहीं, ये इसने धीरे धीरे से अपना स्लो हो गई और ये गाड़ी भी हार गई है। अब बारी अपनी न्यू वाली गाड़ी की जो कि होने वाली है और भी ज़्यादा खतरनाक, जो कि अपन लोग लेने वाले हैं स्कॉर्पियो। होने वाली है और भी ज्यादा खतरनाक, सॉरी मतलब कि स्कॉर्पियो, जो कि पता नहीं यार इसके क्या हो रखा है, ये बार बार इसके अंदर जा रही है, ठीक है। एक बार से दोबारा से मैं इसको लेकर ट्राई करने की कोशिश करता हूँ और मेरे हिसाब से मेरे को जहाँ तक लगता है ये गाड़ी पक्का इसको पार कर लेगी क्योंकि भाई ये RWD में आती है और एक तरीके से मानो तो RWD काफी बढ़िया है, ठीक है, वो निकल जाएगी अपने हिसाब से, ठीक है। अब अपन लोग लेने वाले हैं स्कॉर्पियो जो कि होने वाली है और भी ज़्यादा खतरनाक, ठीक है। अब अपन लोग इसको धीरे धीरे से ले जाएंगे अंदर की तरफ और मेरे को जहाँ तक यकीन है ये वाली गाड़ी भी पक्का पार कर लेगी और इसके अंदर भी पावरफुल भी अच्छी खासी है, ठीक है। लेकिन फिलहाल की तरफ काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे की तरफ जा रही है। भाई व्यू देखो, क्या गजब का व्यू आ रहा है, ठीक है। मैं इसको बूस्टर देकर ट्राई करता हूँ एक बार के लिए, साइड तक मेरे हिसाब से चली जाएगी आगे की तरफ। और नहीं नहीं नहीं, मतलब कि थोड़ी सी रह गई है, आगे वाले टायर कोशिश तो कर रहे हैं बट नहीं है, लेकिन पीछे वाला टायर मतलब कि स्लो स्लो घूम रहा है, यानी कि एक तरीके से मड में चला गया। अब बारी अपनी न्यू वाली गाड़ी की जो कि होने वाली है और भी ज़्यादा डेंजरस, ठीक है। ओके, तब अपन लोग लेने वाले थार जो कि काफ़ी बढ़िया और शानदार गाड़ी है एक तरीके से मान लो, ठीक है। ये वाली गाड़ी भी पक्का पार कर लेगी, मेरे को जहाँ तक यकीन है ये गाड़ी अपनी विनर निकल सकती है क्योंकि इसके अंदर 4WD ब्राइड है, यानी कि चारों टायर अपने साथ एक साथ में घूमते हैं, यानी कि 4x4 है जो कि काफ़ी बढ़िया है। लेकिन यार इसने यहीं पर दम तोड़ दिया, इस खड्डे से बाहर नहीं निकल पा रही है एक तरीके से मान लो, ठीक है ये रह गई। अब दोबारा से इसको बैक लेकर दोबारा से इसको आके लेके आते हैं, मेरे हिसाब से बूस्टर ट्राई करने पर ये चली जाएगी लेकिन नहीं, ठीक है। तो अब अपन लोग लेते हैं न्यू वाली गाड़ी जो कि होने वाली है और भी ज़्यादा खतरनाक। ओके, तो अब अपनी नेक्स्ट जीप है वो है थार 2 जो कि काफ़ी शानदार और बढ़िया गाड़ी है एक तरीके से मान लो, ये फुली मॉडिफाइड में आती है और इसके अंदर पावर भी अच्छा खासा, ठीक है। तो ये वाली गाड़ी मेरे हिसाब से चली जाएगी लेकिन, ठीक है, एक बार के लिए ट्राई करते हैं अपन लोग। ओके, गई, थोड़ी सी बाकी है, ठीक है ठीक है। ओके, पावर तो अच्छा खासा दिखा रही है शुरू में और इसका बूस्टर भी अपन लोग ट्राई करते हैं, शायद बूस्टर देने पर ये काम दे देगी लेकिन नहीं यार, ये यहीं पे इसमें मड के अंदर फंस के रह गई। मेरे हिसाब से इसके अंदर जो भी गाड़ी आएगी ना वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगी वही गाड़ी आगे की तरफ जा पाएगी, ठीक है। अब अपन लोग चेंज करते हैं न्यू वाली गाड़ी को, इस बार अपन लोग लगे एंडेवर जो कि होने वाली है और भी ज़्यादा खतरनाक।